छिंदवाड़ा में दो पक्षों के बीच छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने महिला के घर में जाकर गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि 5 से ज्यादा लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान खड़ा हो गया है। परासिया के इकलहरा गांव में लॉकडाउन के बावजूद विशेष समुदायों के बीच विवाद हो रहा है। पुलिस का कहना है कि विवाद मोटरसाइकिल को लेकर हुआ था। छोटे से विवाद में एक समुदाय के 20 से 25 लोगों ने एकत्र होकर एक महिला के घर पे जाकर गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी और उस महिला के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर दोनों पक्षों की विवेचना की और शिकायतकर्ता के कई नाम बताने के बाद भी सिर्फ 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस महिला के घर अधिक संख्या में लोग गए थे और गाली गलौज मारपीट की थी, जिसमें पुलिस अधिकारी की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस बाकी अपराधियों को बचाते नजर आ रही है। थाना चला में डाले आज करीबन 1 बजे पवन साकरे अपनी कार से जा रहे थे। रास्ते में हल्का ठेला खड़ा था, हॉर्न देने पर था कि ठेला वाले ने आगे बढ़ा लिया। उसी बीच ये खड़ी कार में फ़ोन से बात कर रहे थे। बात के दौरान ही अलीम खान मोटरसाइकिल से आया, जो आगे रास्ते में गाड़ी खड़ा किया। इस पर पवन ने हॉर्न बजाया तो गाड़ी किराने कर लिया। इस गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई। बातचीत के बाद अलीम अपने कुछ साथियों को लेकर के पवन के घर पर गए, जहां पवन और उनके परिवार में विवाद हुआ, जिस पर हाथ मुक्का से मारपीट की गई है। दोनों पक्षों का थाने में रिपोर्ट की गई है, जिसकी जांच की जाकर छोटे से विवाद को लेकर छोटी सी बात को लेकर इन लोगों ने विवाद को इतना बढ़ा दिया। इन लोगों ने जी, ये हमारे एरिया के कुछ विवादित लोग हैं जो असामाजिक तत्वों के साथ और गलत कामों में लिप्त रहते हैं। हमारे घर से हमारे तीनों भाइयों पे, हमारी माता जी पे इन्होंने हमला किया है। 20-25 विवादित लोगों को लेके आए हैं और हमसे हमला करवाया है, सिर्फ एक छोटी सी बात को गाड़ी खड़ी करने को लेकर। हमारे घर में 20-25 जन आए डंडा लेके। अच्छा। और बच्चों पे हमला कर दिया। कौन लोग थे? अल्लू था, मैं उसका नाम जानती, बाकी और किसी को नहीं जानती। किस बेस में विवाद हुआ है? गाड़ी के घर थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर करने का था, उसके में विवाद हुआ। हम लोग सब घर में आ गए, उन्होंने पता नहीं किस किस को फ़ोन करके सब इकट्ठा करा और पूरे मोहल्ले वाले, पूरे उसके दोस्त है कौन है मैं तो नहीं मालूम, पूरे दरवाजे के आके और लड़ाई करने लग गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।